स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 20 क्वेश्चन सीरीज़। कोशिश रहेगी हर रोज़ आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेके आऊँ मैं कॉमर्स के। वो क्वेश्चंस किसी भी पेपर से हो सकते हैं, DSSSB से, KVS से, NVS से, नेट से, HPSC से, ठीक है। तो आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है DSSSB 28 जून 2021 को जो स्क्रीनिंग हुई है मेल टीचर्स की, कॉमर्स वाले PGT कॉमर्स मेल कैंडिडेट्स की जो स्क्रीनिंग हुई है वहाँ से 20 क्वेश्चन आज उठाए गए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ द मैनेजर्स एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। ठीक है, ये एक मैनेजर की एबिलिटी की बात की गई है कि वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है सभी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को। एंड वेरिड इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन इट, इट इन्वॉल्व्स व्यूइंग द ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स टोटैलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग द इंटरडिपेंडेंस ऑफ इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स। नेम द मैनेजीरियल स्किल, यानी कि सभी को जोड़ के रखने की कोशिश की गई है यहाँ पे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक रख के बात की गई है। तो ये हो जाता है हमारा कंसेप्चुअल स्किल। देखिए कंसेप्चुअल स्किल कौन सी होती है, ऐसे मैनेजर के अंदर बहुत सारी स्किल है, टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल, फंक्शनल स्किल, लेकिन जो बात की गई है वो है कंसेप्चुअल स्किल की। कंसेप्चुअल स्किल्स इंक्लूड द एबिलिटी टू व्यू द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, पूरे संगठन को एक करके देखा जाता है। अंडरस्टैंड हाउ द वेरियस पार्ट्स आर इंटरडिपेंडेंट, और देखा जाता है कि सभी पार्ट जो है कितने एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। एंड असेस हाउ द ऑर्गेनाइजेशन रिलेट्स टू इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और ये भी देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कैसे संबंधित है, कैसे रिलेट कर रही है। तो ये आ जाएगा कंसेप्चुअल स्किल में। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट सोल प्रोप्रेटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, यानी कि एकल व्यापार की बात की गई है कि जो व्यापार का एकल व्यापारी होता है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है, कौन सा गलत है वो हमें देखना है। गलत में ये थर्ड ऑप्शन है हमारा, ए प्रोप्राइटर्स नॉलेज एंड स्किल्स इन वेरियस फील्ड्स। देखिए एक ही व्यापारी होता है काम करने वाला, अंदर बाहर के सारे काम उसे ही देखने हैं, प्रोडक्शन का, फाइनेंस का, मार्केटिंग का, इंश्योरेंस का, सारे ही काम उसे देखने हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रोप्राइटर्स नॉलेज एंड स्किल इन वेरियस फील्ड्स लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा लीड्स टू बेटर फंक्शनिंग, यानी कि वो सारे काम वो खुद ही करता है, तो इसका मतलब कि वो बहुत ही अच्छे से काम कर पा रहा है। यहाँ पर ये जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पर्सन 100% नहीं होता, सारे काम बहुत अच्छे से वो नहीं कर पाता है। तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी यहाँ पे। अब ट्रू स्टेटमेंट कौन से एक बार वो देख लेते हैं, द सोल ट्रेडर इज़ द मोनार्च ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यापार का सम्राट होता है, बिल्कुल वो अपने व्यापार का सम्राट होता है, अकेला ही वो काम करने वाला है, उसे किसी को जवाब नहीं देना है अपने किए गए कार्य के लिए। द प्रोप्राइटर्स पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूटिलाइज्ड व्हेन द बिजनेस इज इन लॉस, बिल्कुल ठीक बात है, जब बिजनेस लॉस में जा रहा होता है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक को यूटिलाइज किया जा सकता है। ए प्रोप्राइटर्स इज नॉट बाउंड टू पब्लिश दिस हिज अकाउंट्स टू द पब्लिक, और एक प्रोप्राइटर जो है, एक व्यापारी जो है, एकल व्यापारी अपने अकाउंट्स को पब्लिकली पब्लिश करने के लिए बाध्य नहीं होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब गलत कौन सी है, यही वाली कि प्रोप्राइटर्स नॉलेज एंड स्किल्स इन वेरियस फील्ड्स लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा लीड्स टू बेटर फंक्शनिंग। ठीक है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिक रोल ऑफ IDBI, IDBI की फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेवलपमेंट बैंक, इनकी IDBI का एक रोल हमें यहाँ पे टिक आउट करना है जो कि उसे दूसरे डेवलपमेंट बैंक से अलग बनाता है। ये फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस डायरेक्टली टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स, यानी कि इंडस्ट्रियल यूनिट को डायरेक्टली ही वित्तीय सहायता प्रदान करता है, एज वेल एज टू रीफाइनेंस लोन ग्रांटेड बाय अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये IDBI की एक ऐसी क्वालिफिकेशन है, एक ऐसा उसका यूनिक रोल है जो उसे दूसरे डेवलपमेंट बैंक से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए पर्टिकुलर पार्टनर ऑफ ए फर्म रिप्रेजेंट दैट अनदर पर्सन इज ऑल्सो ए पार्टनर ऑफ द फर्म, ठीक है, देखिए फर्म को कहीं से लोन लेना है और उसे किसी दूसरे व्यक्ति के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है और ये कहकर कि वो भी यहाँ का पार्टनर है। एंड इफ़ सच ए पर्सन डज नॉट डिस्क्लेम द पार्टनरशिप रिलेशनशिप इवन आफ्टर कमिंग टू नो अबाउट इट, सच पर्सन इज कॉल्ड,
लेकिन दूसरा बंदा पार्टनर नहीं है लेकिन उसका नाम लेके फर्म में लोन लिया है, तो इस तरह का जो पार्टनर है वो क्या कहा जाएगा? पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि फर्म का सदस्य नहीं है लेकिन खुद को पार्टनर के रूप में रिप्रेजेंट करने की अनुमति दे देता है, और ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी है, उस व्यक्ति को जिससे लोन लिया है फर्म ने, पार्टनरशिप फर्म ने, यानी कि उसके लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि जिसने फर्म को लोन दिया है, क्योंकि उसने ये मान के लोन दिया था कि वो बंदा एक पार्टनर है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। प्लस उनके बिजनेस से एक क्वेश्चन आया है और सारे ही पार्टनर्स वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO से मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है ये। WTO कितनी बार क्वेश्चन हमने देखे हैं इसके एस स्टेटमेंट डी ट्रिपल एस पी में। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें से अनट्रू स्टेटमेंट जो WTO के बारे में है वो हमें दिखानी है। एक एक लाइन जो है वो अलग अलग क्वेश्चन के रूप में बन के आती है। अब ये जो WTO के बारे में फुल टू इन्फॉर्मेशन है वो हमने डिस्कस की थी एस स्टेट 2016 के क्वेश्चन नंबर 95 में। WTO के बारे में जो स्टेटमेंट गलत है वो यहाँ हमें छाटनी है। कौन सी गलत है? इट्स हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन लुसाना स्विट्जरलैंड। और करेक्ट क्या है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। तो थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पे जो है वो ऑप्शन ठीक हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। और जो बाकी जितने भी स्टेटमेंट है वो सारी ट्रू है WTO के बारे में कि ये 1995 में अस्तित्व में आया था। और WTO इज़ द सक्सेसर टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, गेट को ही आगे जो है WTO नाम दे दिया गया, और गेट जो था वो समझौता हुआ था 1948 में। पूरा देखेंगे अभी इसके बारे में एक बारी। द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। जो भी इसके सदस्य देश है उनके बीच के व्यापार को देखता है, एक अकेला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो एक बार देखते हैं WTO के बारे में। एट स्टेट 2016 में क्वेश्चन नंबर 95 ऐसे पूछा गया था, ऑन व्हाट डेट गैट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू WTO। गैट को WTO में कब परिवर्तित किया गया? 1 जनवरी 1995 को, यानी कि WTO का निर्माण कब हुआ? 1 जनवरी 1995 को। और ये हमारे इस स्टेटमेंट में भी दिया गया था, ट्रू स्टेटमेंट में। अब WTO की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है ये? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पर्पस क्या है? रेगुलेट करना इंटरनेशनल ट्रेड को। और मेंबरशिप कितनी है? 164 मेंबर स्टेट्स है। और ये भी पूछा जाता है भी कितने मेंबर स्टेट है? 164 मेंबर स्टेट हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसी को इंटरव्यू करके दे दिया गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। डायरेक्टर जनरल है रोबर्टो एजेवेडो। WTO इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड ये भी एक स्टेटमेंट में दिया गया था। WTO ऑफिशियल कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 1995 अंडर द मार्केश एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट का नाम भी पूछा जाता है, कौन से एग्रीमेंट के तहत WTO का निर्माण हुआ? मार्केश एग्रीमेंट साइंड बाय 123 नेशंस। कितने सदस्य देशों ने इस पर साइन किए थे? 123 देशों ने। कब किए थे? 15 अप्रैल 1994 को किए थे। और 1 जनवरी 1995 से यह अस्तित्व में आया था। साइन कब हुए हैं? 15 अप्रैल 1994 को। और किसको रिप्लेस किया गया है यहाँ पर? गैट को, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसकी भी फुल फॉर्म जो है वह पहले पूछी गई है क्वेश्चंस में, गैट की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और ये कब आया था, ये कब स्टार्ट किया गया था? 1 जनवरी 1948 से। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। WTO deals with regulation of trade in goods, services and intellectual property between participating countries. ये सारे ही important लाइनें हैं। और जो 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 भी जब जब भी पूछा गया WTO के बारे में सारा यहाँ पे लिखा गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है WTO का? कि जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, सदस्य देश हैं, उनके लोगों का जीवन स्तर बढ़ाना, प्रभावकारी मांग में पूर्ण रोजगार और व्यापक वृद्धि सुनिश्चित करना, और वस्तु का उत्पादन और व्यापार बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना, ट्रेड बढ़ाना और सेवाओं का भी व्यापार बढ़ाना, सर्विसेज को भी बढ़ाना अपने मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। आज का सिक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस ऑन द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस यूनिट। जिस भी बिजनेस, किसी भी तरह की बिजनेस यूनिट है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और वहाँ पे क्या है, हमें चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करनी है। ठीक है, चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करनी है, तो इसमें से क्या फैक्टर ऐसा है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि प्रभाव नहीं डालता चॉइस के ऊपर? ये आ जाएगा हमारा इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी। इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी जो है वो प्रभाव नहीं डालता है, बाकी सारे प्रभावित करते हैं कि भाई कौन सा हमारा बिजनेस यूनिट यानी कि किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को चुना जाना चाहिए। गवर्नमेंटल कंट्रोल एंड रेगुलेशंस, एक्सिस्टेंस ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी, द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। ये तीनों ही ऐसे हैं जो कि प्रभाव डालते हैं। प्रभाव क्या नहीं डालता है? इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी।
सेवन्थ क्वेश्चन है डैश कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग कमोडिटीज़ और सिक्योरिटीज़, यानी कि ऐसा क्या है जिसमें कमोडिटीज़ या सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है और अदर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी को भी इन द होप ऑफ ए प्रॉफिट, प्रॉफिट की होप में कि भविष्य में प्रॉफिट बढ़ जाएगा फ्रॉम एंटिसिपेटेड चेंज ऑफ वैल्यूज़, ये क्या आ जाएगा सट्टा, ठीक है, स्पेकुलेशन होता है। स्पेकुलेशन कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग कमोडिटीज़ और सिक्योरिटीज़ और अदर प्रॉपर्टीज़ इन द होप ऑफ ए प्रॉफिट फ्रॉम एंटिसिपेटेड चेंजेस ऑफ वैल्यू। सेवन्थ क्वेश्चन, चलते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। एट्थ क्वेश्चन है द कंपोजिशन ऑफ द टोटल कैपिटल कंसिस्टिंग पार्शली ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स विद फिक्स चार्जेस एंड पार्शली ऑफ ओनरशिप फंड्स इज नोन एज, ये क्या हो जाएगा भाई कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में देखा जाता है कि बिजनेस के अंदर से कितना लगाया गया और एक्सटर्नली जो है वो कितना लिया गया, लॉन्ग टर्म फंड जो है कितने हैं, यह आ जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मैच मेकिंग है, लिस्ट वन और लिस्ट टू, दो लिस्ट हमें दी गई है और उनको मैच मेकिंग करना है। मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट टू विद आइटम्स ऑफ लिस्ट वन रिलेटिंग टू मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस एंड सिलेक्ट द कोड ऑफ करेक्ट मैचिंग। तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फोर में दिया गया है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, पब्लिक डिपॉजिट, फैक्टरिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ये तीनों ही शॉर्ट टर्म कैपिटल में लिखे गए हैं। दूसरा जो मीडियम टर्म है, मीडियम टर्म में सेकंड और थर्ड की क्लीन एडवांस फ्रॉम बैंक्स, ये मीडियम टर्म है और हमारा पब्लिक डिपॉजिट ये भी मीडियम टर्म में रखा गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल में इश्यू 50 शेयर्स हैं और दूसरा हमारा फैक्टरिंग, फैक्टरिंग को रखा गया है लॉन्ग टर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म अंडरराइटिंग मीन, अंडरराइटिंग जो टर्म है उसका क्या मतलब होता है। देखिए हिंदी में तो हामीदारी मतलब होता है, अभिगोपन इसको बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अंडरटेकिंग टू सब्सक्राइब टू शेयर्स और डिबेंचर इफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज नॉट एडिक्वेट। यहाँ पे क्या आता है, ये जो अंडरराइटर्स होते हैं इनकी कंपनी होती है, अगर कोई कंपनी स्टार्टिंग में जैसे अभी वो न्यू एस्टेब्लिश हुई है और वो मार्केट के अंदर अपने शेयर डिबेंचर को खरीद नहीं, बेच नहीं पा रही है, तो ये कंपनीज कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन है वो ले लेते हैं और उसके बदले में कमीशन लेते हैं, ठीक है। फिर शेयर डिबेंचर को बेचने की जिम्मेदारी इनकी हो जाती है, इसके बदले में वो कमीशन चार्ज करते हैं। तो ये क्या हो गया, अंडरटेकिंग टू सब्सक्राइब, ठीक है, ये ले लेते हैं सब्सक्रिप्शन टू शेयर और डिबेंचर इफ़ पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट एडिक्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बेनिफिट ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन क्या है, इनकी लूजनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकारी नियंत्रणों में ढील दे दी जाती है यहाँ पे। अब जो ट्रेड में व्यापार करने में अगर सरकारी, अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा उसमें ढील दे दी गई है तो फिर क्या होगा, इससे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे और यहाँ पे जो दे रखा है वो हमें क्या निकालना है कि कौन सा फ़ायदा नहीं है। यह है इनकम डिस्पैरिटी एंड प्रोडक्टिविटी डिफरेंसेस, यानी कि आय में असमानता हो जाएगी और उत्पादकता में अंतर आएगा, ये इसका बेनिफिट नहीं है, ये इसका क्या है, नुकसान है। और बेनिफिट कौन से हैं, फॉर प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स मार्केट्स आर एनलार्ज एंड सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ आर इंक्रीज, यानी कि जो उत्पादक हैं, जो पूर्ति करता है, उनके लिए मार्केट अब बड़ी हो गई है क्योंकि अपने देश में नहीं वो दूसरे देशों में भी माल को बेच पाएंगे एंड सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ आर इंक्रीज हो गई है। वर्कर्स गेन न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये भी बेनिफिट है। एंड कंज्यूमर्स एंजॉय लोअर प्राइसेज एंड ग्रेटर चॉइस इन प्रोडक्ट, ठीक है। अब कंज्यूमर को भी कम दाम पे चीज़ें मिलेंगी और वो उनके पास प्रोडक्ट को चॉइस करने में भी बहुत सारे प्रोडक्ट उन्हें मिलेंगे, यानी कि चॉइस उन्हें बहुत ज़्यादा मिलेगी प्रोडक्ट्स में। तो ये सारे बेनिफिट है, जो बेनिफिट नहीं है वो है इनकम डिस्पैरिटी एंड प्रोडक्टिविटी डिफरेंसेस, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 12th क्वेश्चन। आज की वीडियो में हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे और कोशिश रहेगी कि आगे 20 क्वेश्चन सीरीज़ ही आए हर पेपर की, पेपर बहुत सारे हैं, थोड़ा टाइम कम लगता है, लेकिन कोशिश रहेगी कि HSSC की स्क्रीनिंग या HTAT आने से पहले जितने भी कॉमर्स के पेपर अवेलेबल हैं मेरे पास वो सारे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन द गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री एंड द सेम आर एक्सपोर्टेड टू अनदर कंट्री, एक देश से मंगा लिया और दूसरे देश को भेज दिया, इसे क्या कहेंगे, इस तरह का ट्रेड क्या कहलाएगा, एंट्री पोर्ट ट्रेड, गोदाम व्यापार इसको हिंदी में बोला जाता है, एंट्री पोर्ट ट्रेड, ठीक है। एक देश से इंपोर्ट कर लिया, दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है। ये ट्रू स्टेटमेंट है कि यूएसए इज द लीडिंग मार्केट फॉर इंडियाज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, भारत के कृषि उत्पादों के लिए यूएसए एक लीडिंग मार्केट के रूप में उभर के सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डेफिनेशन दी गई है कि हु स्टेटेड बिजनेस इज नॉट मेयर मनी चेसिंग, कि व्यापार केवल पैसे का पीछे नहीं है बट इट ऑल्सो शुड एम्ड एट सर्विंग द कम्युनिटी, बल्कि इसका उद्देश्य समुदाय की सेवा करना भी होना चाहिए। ये हेनरी फोर्ड सर ने कही थी, हेनरी फोर्ड की स्टेटमेंट है ये कि बिजनेस इज नॉट मेयर मनी चेसिंग बट इट ऑल्सो शुड एम एट सर्विंग द कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी हम अपने चैनल पे इसको डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ ए डॉक्यूमेंट विच इज़ इशूड बाय द मास्टर ऑफ द शिप, जहाज के स्वामी के द्वारा इसको इशू किया जाता है, और द शिप ओनर और एन एजेंट स्टेटिंग दैट, और इसमें क्या होता है कि द गुड्स मेंशन्ड इन इट हैव बीन टेकन ऑन बोर्ड द शिप फॉर ट्रांसपोर्टेशन एज पर टर्म एंड कंडीशन स्पेसिफाइड इन इट, कि इसके अंदर इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी गुड्स एंड जो भी हमारा सामान रखा गया है वो टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही जहाज के ऊपर चढ़ाया गया है। इट ऑल्सो सर्व्स एज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एफ्रिजमेंट एंड एज ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स, द डॉक्यूमेंट इज टर्म एज, यानी कि इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट है जहाज के किराए का, और यानी कि टाइटल ऑफ द गुड इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा गया था, तो इसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स भी कहा जाता है। इस डॉक्यूमेंट को और क्या कहा जाएगा, बिल ऑफ लेडिंग, जहाज का बिल। नेक्स्ट है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरपोरेशन डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम, यानी कि कौन से निगम के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को शामिल किया जाता है। ये आ जाएगा हमारा स्टैचुरी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंड पार्टनरशिप एज, एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन में से निकला कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है। 1932 हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, और इसकी डेफिनेशन पूछी गई है, द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of business carried on by all or any of them acting for all, ये हमारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत परिभाषा दी गई है, तो इस पे टिक करना है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन DSSSB 2018 में कर चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ एस्प्रिट डी कॉर्प्स वॉज लिस्टेड बाय, किसने ये प्रिंसिपल दिया था। ये दिया था हेनरी फ्यूल्सर ने, ये इनका 14th प्रिंसिपल है, यानी कि सहयोग की भावना, सहयोग की भावना होनी चाहिए इसमें मैनेजमेंट के अंदर, यानी कि मैं की जगह हम का यूज़ करना चाहिए, सभी को एक साथ लेके चलने का प्रयास करना चाहिए। 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो हमारा दीर्घकालीन फाइनेंस, दीर्घकालीन वित्त है, जो किससे जुड़ा हुआ है, लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इज और आर नॉट कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी नहीं है। देखिए, एक डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक टीचर स्कूल में काम कर रहा है वो भी है, ए फार्मर वर्किंग इन द फील्ड फॉर हिज ओन कंजम्पशन ये भी है, लेकिन डोमेस्टिक वर्क बाय हाउसवाइफ के द्वारा किया गया घरेलू कार्य ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि हाउसवाइफ कभी भी पैसे नहीं लेती ना काम करने के, ऐसे ही लगी रहती है सारा सारा दिन घर में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। तो ओनली फोर्थ डोमेस्टिक वर्क बाय हाउसवाइफ ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ, बने रहे मेरे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।